more, and got even five more. There's always five more. The fact that I can do that gave me so much strength in life. You've been doing leg day, but skipping squats? Repent. There's an incredible number of proven benefits to the squat. I mean, total respect and honor of the squat rep forever. It's my altar. It's what taught me how to get there. Nothing replaces and releases. Third and final tip, don't overthink, don't overcomplicate. ओके, आई नो बहुत सारा इंट्रो हो चुका है, बट एक और लास्ट चीज़, आई फील कि इस वीडियो के बाद आपको स्क्वाट्स कैसे करते हैं ये गूगल या फिर यूट्यूब पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं उस तरीके से बना रहा हूँ, आपके जितने भी डाउट्स हैं सब क्लियर हो जाएंगे, बट वो तभी होगा जब आप एंड तक सारी चीज़ों को समझोगे। एंड में भी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कवर करने वाला हूँ जिसके बारे में कभी किसी ने कवर नहीं किया है, तो उसको ज़रूर एंड तक देखना। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो ऑफिशियली। ठीक है, शुरू से शुरू करते हैं स्टेप वन से। स्टेप वन है आपका हैंड प्लेसमेंट। अब आपके रिस्ट पेन, एल्बो पेन, शोल्डर पेन, ये तीनों पेन डिपेंड करते हैं आपका हैंड प्लेसमेंट कैसा है, और आपका हैंड प्लेसमेंट डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी टाइप कैसी है। अब अगर जो मेरी बॉडी टाइप वाइड है तो मैं एक वाइड ग्रिप लूँगा, उसी में मुझे परफेक्ट बैलेंस आएगा। लेकिन अगर जो मेरी बॉडी थोड़ी सी नैरो है तो मैं थोड़ी सी क्लोज ग्रिप लूँगा। अब क्योंकि मेरे शोल्डर थोड़े से वाइड हैं, इसलिए मैं वन थंब डिस्टेंस रखता हूँ अपने शोल्डर से, और ये मेरा हैंड का प्लेसमेंट होता है। अब आपको फाइंड करना है कि आपकी बॉडी टाइप कैसी है, उस हिसाब से आपको हैंड का प्लेसमेंट रखना है। अब स्टेप टू हमारा है बार प्लेसमेंट। बार प्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है, बट मैं सिंपल वे में समझाता हूँ। दो तरह के बार प्लेसमेंट है, लो बार, हाई बार। जब आप हाई बार पे करते हैं तो वो आपके कॉर्ड्स को ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, लेकिन जब आप लो बार करते हैं तो वो आपके ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग को ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। अब आपको फाइंड आउट करना है कि आपके कौन से मसल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं मेरी बात करूँ तो मैंने लंबे टाइम तक हाई बार ही किया था, और मेरे कॉर्ड्स बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कंपेयर टू माई हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स। जब मैंने स्विच किया लो बार पे तो मेरी स्ट्रेंथ रैपिडली इंक्रीज होने लगी, क्योंकि मेरे ग्लूट्स अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग है, हैमस्ट्रिंग भी अच्छा स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे एक एडवांटेज मिल गया, तो मैं जिससे अपनी स्ट्रेंथ जल्दी इंक्रीज कर सका। तो बार प्लेसमेंट भी डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे, आपको करते जाना है, आपको दोनों ही ट्राई करना है, आपको फाइंड आउट करना है किस पे आपकी पोजीशनिंग अच्छी बैठती है, किस पे आप जल्दी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं। अब फुट प्लेसमेंट। मेरा डिस्टेंस होता है वो शोल्डर से बस थोड़ा सा वाइड रहता है फुट प्लेसमेंट, और वो मेरे लिए परफेक्टली वर्क करता है। ना मैंने देखा है ज़्यादातर लोग शोल्डर से थोड़ा वाइड ही रखते हैं, ज़्यादा क्लोज भी नहीं रखते हैं ना ज़्यादा वाइड रखते हैं, जिसे स्टैंस ग्रिप बोलते हैं। अब आपका हैंड प्लेसमेंट हो गया है, बार प्लेसमेंट हो गया, फुट प्लेसमेंट हो गया, आप रॉड लेकर खड़े हैं, अब बस स्क्वाट्स करना बाकी है। लेकिन उससे पहले अब पांच इंपॉर्टेंट स्टेप हैं जिसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। स्टेप नंबर वन, आपके लैट्स टाइट होने चाहिए। अगर जो आपको याद नहीं रहता है कि आपको लैट टाइट करना है या नहीं, तो एक उसकी सिंपल ट्रिक ये है कि आप ये ट्राई करना कि आप ये जो बार है ना उसको नीचे की तरफ पुल कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ करके, आप ऐसे नीचे की तरफ जैसे पुल करोगे तो आपके बैक ऑलरेडी टाइट हो जाएंगे एंड आपका एल्बो भी पैरेलल टू ग्राउंड हो जाएगा। स्टेप वन कंप्लीट। स्टेप टू आपका होगा, आपको ब्रीथ इन करना है, आपको ब्रीथ इन करना है। अब ब्रीथ इन आपको मुंह से नहीं करना है, क्योंकि जब भी आप मुंह से ब्रीथ इन करते हो तो आपके चेस्ट अप हो जाते हैं, ये देखो, जिसकी वजह से आपका लैट्स वापस रिलीज हो जाता है। इसलिए जब भी स्क्वाट्स कर रहे हो तो हमेशा नाक से आप ब्रीथ इन करना है, एंड ब्रीथ इन करने के बाद कोर आपको टाइट कर देना है इस तरह से, ठीक है। अब मेरे कोर टाइट हो गए एंड मेरे लैट्स भी टाइट है। अब थर्ड स्टेप है आपका कि आपको आपके नीज लॉक रखने, मेक श्योर मेरे नीज लॉक अगर जो ऐसे हैं आपके तो आपको नीज लॉक रखना है। एंड फोर्थ स्टेप है कि ग्लूट्स आपको टाइट रख देना है। आपके एक बार ग्लूट्स टाइट हो जाएंगे, नीज ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगे, ठीक है। अब आप रेडी हो, सब चीज़ रेडी हो गई है, और लास्ट स्टेप है
कि आपको चेक करना है ये सारी चीज़ें एक सिंक में चल रही हैं या नहीं। अगर जो कोई भी चीज़ रह गई है तो आप अपना टाइम लो और ये सारी चीज़ को परफेक्ट करो, उसके बाद अपना स्क्वाट्स करना शुरू करो। कोई एक चीज़ भी अगर छूट जाती है तो आप वापस से कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि ये आपके परफॉर्मेंस बहुत बिगाड़ेगा। तो हमेशा टेक योर टाइम प्रॉपरली, आप देखो आपके चारों स्टेप कंप्लीट हैं, उसके बाद ही अपना स्क्वाट्स शुरू करना। अब मेरे सारे पॉइंट ऑन पॉइंट है, अब मैं स्क्वाट्स करने के लिए रेडी। अब सारी चीज़ें रेडी हो गई है, आप स्क्वाट्स करने के लिए रेडी हो गए हैं। आपको स्क्वाट्स करना है और कहाँ तक करना है? सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्क्वाट्स, रेगुलर स्क्वाट्स और डीप स्क्वाट्स। अब डीप स्क्वाट्स के साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आई रिकमेंड जितना हो सके उतना डीप स्क्वाट्स करो। रेगुलर स्क्वाट्स आप चीट रेप्स की तरह कर सकते हो, लेकिन डीप स्क्वाट्स ही आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करवाएगा। डीप स्क्वाट्स से ही आपका रेंज ऑफ मोशन क्लियर बैठेगा, आप अच्छी सिटिंग में बैठ पाओगे। तो आई रिकमेंड जितना हो सके उतना डीप स्क्वाट्स करो। अगर हैवी वेट भी कर रहे हो फिर भी उसमें ट्राई करो, अब नीचे तक जाओ पूरा प्रॉपरली। अब लास्ट चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं जिसके बारे में मैंने बोला था, अब वो है आपकी एंकल मोबिलिटी। आपकी एंकल मोबिलिटी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है आप बार को कितने लंबे टाइम तक होल्ड करके रख सकते हैं। बेसिकली जब आप बैठ जाते हैं तो उसमें आपके एंकल मोबिलिटी ही सबसे ज़्यादा काम करती है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कैसे फाइंड आउट करें कि आपका एंकल मोबिलिटी स्ट्रॉन्ग है या वीक है? तो एक सिंपल तरीका है, दीवार पे आपका जो बैर फुट है उसको आप रखिए और ट्राई कीजिए, आप अपने और अपने नीज को दीवार से टच करने के लिए ट्राई कीजिए। अगर जो आप कर पा रहे हैं मतलब आपकी एंकल मोबिलिटी अच्छी है, अगर नहीं कर पा रहे हैं मतलब आपकी एंकल मोबिलिटी ख़राब है, आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। करने के लिए 2-3 एक्सरसाइजेस हैं आप कर सकते हैं जिसकी वजह से आपकी एंकल मोबिलिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। पावर लिफ्टिंग 101 का ये पहला एपिसोड है जिसमें मैंने स्क्वाट्स कवर किया। अभी 2 वीडियोस और आना बाकी हैं, जो एक डेडलिफ्ट पे होगा और एक बेंच प्रेस पे होगा, और किस तरह से पावर लिफ्टिंग प्रोग्राम डिज़ाइन करना है वो इस एपिसोड के लास्ट में मैं बताऊंगा। जो 3rd एपिसोड आएगा उसमें मे बी शायद आई विल शेयर अ वर्कआउट प्लान जिसपे से आप अपना पावर लिफ्टिंग प्रोग्राम कर सकते हैं। तो उस एपिसोड तक का वेट करना। तब तक के लिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।